हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला। दोस्तों यहां पर हमारे पास है एक बॉक्स जो है कैमरे का, कैनन का R10। यहां पर आप अगर देख पा रहे होंगे EOS R10। दोस्तों ये जो कैनन का R10 है इसको मैंने परचेस कर लिया है, जो कि 18-150 लेंस के साथ में। इसका मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, साथ ही इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसका प्राइस क्या है, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और कैनन का R10 से संबंधित मैं बहुत सारे आपको वीडियो आगे भी बताता रहूँगा। तो अगर आप कैनन का R10 लेना चाहते हैं या इसके फीचर्स जानना चाहते हैं या अगर आप कुछ भी कैनन के R10 में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये है कैनन का R10 जो कि मुझे 1,10,000 के आसपास पड़ा है, और जो इसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस है ये है 1,19,995 रुपये। दोस्तों ये जो मुझे पड़ा है ये पड़ा है 1,04,000 रुपये का, और बाकी का हमने इसका इंश्योरेंस करवा लिया है। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैनन EOS R10, और मैंने किट लेंस के साथ लिया है जो कि 18-150 की तरफ। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं जो कि आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वाईफाई सर्टिफाइड है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, HDMI को भी ये सपोर्ट करता है, और साथ ही यहाँ पर आप जो है आईफोन वगैरह एंड्रॉयड वगैरह भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बॉक्स इधर से ये कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले ये गूगल फोटोज वाला आपको मिल जाता है जो कि क्लाउड के लिए है। यहाँ पर ये आपको वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है, यूजर मैनुअल बुक, एसी बैटरी एडाप्टर जो कि वहां पर फ्री लिखा हुआ था वो यही है। यहाँ पर ये बैटरी मिल जाती है, बैटरी के स्पेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर पावर केबल, अब हमें यहाँ पर एक स्टिक मिल जाता है कैमरे का। एंड बॉक्स यहाँ पर जो ये हमारा मेन सब्जेक्ट था, फोकस लेंस, अठारह एक सौ पचास का लेंस दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पीछे ऐसे यहाँ पर ये कैप है, तक इसको कर देते हैं बंद। आगे की तरफ ये देखिए, इसको तब तक कर देते हैं बंद। जो हमारा मेन सब्जेक्ट था कैमरा बॉडी, अगर आप ये सिर्फ बॉडी लेंगे तो आपको ये बॉडी भी मिल जाती है जो कैमरे की बॉडी होती है, अगर आपके पास लेंस पहले से है तो। तो मेरा ये पहला कैमरा है जो कि मैंने कैनन का R10 खरीदा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे EOS R10 कैनन। यहाँ पर सेंसर लगाने के लिए दिया होता है, आप इस कैप को तभी खोलिए जब आपको सेंसर लगाना हो, अदरवाइज जो ये इसका जो सेंसर है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर गर्दा वगैरह अगर चली जाएगी तो फिर उतना अच्छा ये वर्क नहीं करेगा। तो जब भी आप अपने सेंसर को लगाएं तभी आपको ये कैप ओपन करनी है। यहाँ पर आपको ऑटो मैनुअल फोकस मोड मिल जाता है, क्योंकि ये जो लेंस है इन लेंस के अंदर आपको स्विच करने को नहीं मिलता है ऑटो या फोकस, तो इसी में आपको ये दिया रहता है। ये RF लेंस है, यहाँ पर देखिए R का मतलब है इस बॉडी से और F का मतलब फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लेंस लगेंगे वो RF के लेंस लगेंगे, और दोस्तों ये जो लेंस है RF S लेंस है, ठीक है, जो कि ये नए ब्राइटी का एक लेंस कंपनी ने बनाया है। यहां पर दोस्तों आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे ओपन करेंगे ये देखिए, ये यहां पर ये आपको HDMI का पोर्ट मिल जाता है, यहां पर आपको सी टाइप मिल जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर आपको सी टाइप भी अब इसके अंदर देने लगे हैं। सी टाइप का बहुत फायदा होता है, ठीक है, इससे आप डायरेक्ट ही अपने कैमरे को चार्ज भी कर सकते हैं, साथ ही आप इससे डाटा ट्रांसफर भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। पहले माइक्रो आता था, ठीक है, जैसे मोबाइलों में आता था, लेकिन अब यहाँ पर सी टाइप भी देने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये माइक का भी ऑप्शन दिया है, ये आपको व्यू फाइंडर
मिल जाता है। जब भी आप अपना जो है मतलब कैमरा को यूज करना चाहें, चाहे तो आप स्क्रीन में कर सकते हैं, चाहे आप व्यू फाइंडर में देख के फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्रीन कहाँ पर है, तो स्क्रीन भी आपको हम दिखा देंगे, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर ये इसके मेन्यू बार हैं, यहाँ पर ये मेन मेन्यू है, यहाँ पर ये जॉयस्टिक के लिए भी है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर ये कंट्रोल के लिए है, यहाँ पर आपको ये मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पर प्रीव्यू, जैसे आपने कोई भी फोटो क्लिक की है और उसको आपको प्रीव्यू देखना है या वीडियो बनाया, तो इस पे आप ऐसे करेंगे तुरंत प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये फीचर्स दिए गए हैं, कौन से फीचर्स में आप अपना जो है कैमरा यूज करना चाहेंगे। जैसे आप वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो वाला जो फंक्शन है, ठीक है, और जो ये सामने देखिए एक टिक जैसा यहाँ पर लगा है, तो ये जब आप यहाँ पर करेंगे, ये देखिए सफेद सफेद जो लगा है एक टिक जैसा, ठीक है, इसका मतलब वीडियो के लिए ये फंक्शन ओके हो गया है। यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर मोड दिए गए हैं, सिनेमैटिक मोड है, ब्लर मोड है, ऑटो मोड है, और पैनोरामा मोड है, बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है, बस आप एक क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक, और वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो जाएगी। यहाँ पर तो इसके लिए यहाँ पर लॉक का बटन दिया गया है, इसको आप लॉक करिए, फिर आप कुछ भी करिए, जब तक आप ये लॉक वाली बटन दोबारा से नहीं दबाएंगे तब तक कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों ये माइक और स्पीकर यहाँ पर दोनों दिया गया है, इसके अंदर स्पीकर भी है, माइक भी है, दोनों है, ठीक है। यहाँ पर ये कंट्रोल के लिए है, और यहाँ पर ये बटन क्लिक के लिए दिया गया है। और बात करें तो यहाँ पर आप अपने एक्सेसरीज को अटैच कर सकते हैं, जैसे फोकस लाइट हो गई, और आपका बहुत सारे होते हैं, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर, माइक हो गया, फोकस लाइट हो गई, और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें छोटा सा फ्लैश भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है, ये देखिए यहाँ पर ये फोकस के लिए भी दिया गया है, ये अब दोस्तों यहाँ पर ये कैप्चर की बटन दी गई है, यहाँ पर ये छोटा सा फ्लैश दिया गया है जो कि रात में डिटेक्ट करता है फोकस को। तो इस तरीके से ये हमारा कैमरा है, कैनन का R10। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो नीचे एक बटन दी गई है, यहाँ पर आप जो है अपना ट्राइपॉड वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर भी आपका दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर लिखा है मेड इन जापान, जो कैनन कंपनी है मेड इन जापान की है, तो यहाँ पर जापान दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बैटरी लगाने के लिए है स्लाइड, तो ये देखिए यहाँ से खुल जाता है, यहाँ पर आप अपनी बैटरी लगा सकते हैं, यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। अब आप जब बैटरी लगाएं तो आप देख लें कि पॉइंट कहाँ पर है, तो उस हिसाब से आप बैटरी लगाएं, जैसे यहाँ पर इसके किनारे पॉइंट है, तो आपको ऐसे करके बैटरी लगानी है। अगर आप उल्टा साइड में बैटरी लगाएंगे तब लगेगी ही नहीं बैटरी, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप पहले से ही देख लें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, हम लोग सोचते हैं सही है, हम लोग दबाने में लगे रहते हैं, दबता नहीं है, जैसे ही दबेगा ये जो एक छोटा सा स्विच है वो उधर हो जाएगा, और आप जब दोबारा से जब बैटरी निकालें तो इस स्विच को आपको बस ऐसे कर देना है, तो ये तुरंत बैटरी ऊपर आ जाएगी, इसको ऐसे आप करेंगे तो ऑटो ही वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड का दिया गया, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पर डबल माइक्रो नहीं है, मतलब ये वो, अरे भैया आप चिप अपना ज्यादा ले लो, जरूरी है कि यहाँ पर दो दो स्लाइड हो, सीधी सी बात है, जितनी आपकी क्षमता हो उतना अपना सिस्टम आप बनाते दोस्तों हो। यकीन नहीं मानेंगे, जो ये सैंडिस्क की जो ये माइक्रो एसडी कार्ड है, ठीक है, ये 128 GB की है, और ये 2300 रुपये की है, आप सोचिए मात्र 128 GB 2300 रुपये आपको की है। डालना कैसे कैसे है? यहाँ पर ये साइन दिया गया है, यहाँ पर आपको ऐसे माइक्रो एसडी कार्ड को, आपको इस तरीके से माइक्रो एसडी कार्ड को बस स्लाइड कर देना है, और वो खुद ब खुद लॉक हो जाएगी, इस तरीके से आपका ये लॉक हो गया। जब आपको लेंस लगाना हो तभी आपको कैमरे का कैप हटाना है, जैसे इसका हमने इसको हटाया ये, और इसको हटाया ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेड पॉइंट दिया रहता है, और यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक रेड पॉइंट दिया होता है, तो रेड से रेड पॉइंट को आपको मिलाना है, यहाँ से ये इस तरीके से, ये देखिए ये जो रेड है, रेड से रेड को आपको मिलाना है, और उसके बाद ये ऐसे करिए तो चिट से एक आवाज आएगी, ये देखिए चिट से आवाज आई। अगर आपको दोबारा से अपने इसको हटाना है तो आपको ये बटन दबानी पड़ेगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। जब आप इस बटन को दबाएंगे, लॉक को आपको दबाना है, फिर आपको ये घुमाना है, ठीक है, और आपको ये निकाल लेना है ऐसे करके। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसको लगाने के लिए ऐसे, और ये तभी लगेगा जब चिट से आवाज आएगी, अगर चिट से आवाज नहीं आई है तो प्रॉपर तरीके से ये नहीं लगा है। अब देखिए ये हमारा कैमरा बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है।
यूज करने के लिए आपको आगे का हटाना है, ठीक है। और एक चीज, जो ये आपके ये दोनों कैप हैं, ठीक है, ये दोनों कैप, तो इन दोनों कैप को आपको ऐसे कर देना, क्योंकि अगर इसके अंदर मिट्टी चली गई आपने दोबारा किया, ठीक है, गर्दा थोड़ी डस्ट वगैरह चली गई आपने दोबारा लगाया, तो उसके अंदर फिर लेंस या उसके अंदर गर्दे चली जाएगी। तो इनका जब यूज ना हो तो कंपनी ने दिया हुआ है कि इसको आप बंद कर दें। ये देखिए ये बंद हो गया, पर ये दिया गया है, इसको आपको यहाँ से धीरे से हटाना है। ये देखिए ये हमारी है। अब आप सोचेंगे ये रोटेट होती है कि नहीं होती, बिल्कुल रोटेट होती है। नीचे की ओर करेंगे कितनी होगी रोटेट, ठीक है, इसको दोबारा से करेंगे। अगर रोटेट एक तरफ नहीं हो रही है तो आप उसको जबरदस्ती मत रोटेट कीजिए, ऐसे करिए, फिर इसको दूसरे साइड में रोटेट करिए इस तरह से। और ये देखिए ये आपका जो यूट्यूबर लोग जो होते हैं ऐसा जब अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इसके इसमें देखते भी जाते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। और अगर आपको इसको डिस्प्ले को सीधे पीछे करना है तो आप इसको ऐसे करके आप इसको पीछे कर लीजिए, तो ये आपका लग गया, ठीक है। यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन दी गई है, तो अभी ये ऑफ की तरफ है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो तुरंत ये चालू हो जाएगा। देखिए चालू हो गया। शुरुआत में जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस मांगता है, जैसे आप इसमें डेट डालिए, ये डालिए, वो डालिए, ठीक है, तो आप उसको कस्टमाइज कर लीजिएगा, उसके बाद चालू हो जाएगा। तो यहाँ से ये फंक्शंस दिए गए हैं, किस फंक्शंस पे आपको ये लगाना है, जैसे यहाँ पर देखिए स्पेशल स्क्रीन्स, यहाँ पर स्पेशल स्क्रीन्स के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे ये देखिए ये सेल्फी मोड, खुद की आप सेल्फी लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये लगाएंगे। पोर्ट्रेट अगर आप निकालेंगे तो आप ये लगाएंगे, ठीक है, स्मूथ स्किन पे आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर ये लगाएंगे, अगर ग्रुप में आपको फोटो खींचनी है तो यहाँ पर ये लगाएंगे, पैनोरमा अगर आपको लेना है तो यहाँ पर ये लगाएंगे, स्पोर्ट अगर हो रहा है कोई सीन है स्पोर्ट का तो वहाँ पर ये लगाएंगे, व्हीकल का अगर आपको लेना है तो यहाँ पर ये लगाएंगे, और आपको क्लोज शॉट लेने हैं जैसे फूल्स की हैं या बहुत सारी चीज़ें वेजिटेबल वाले पे आपको यहाँ पर ये लगाना है। तो ये सारे कुछ फीचर्स दोस्तों इसके अंदर दिए गए हैं। और ये देखिए ये देखिए मैंने फोटो क्लिक की और इस तरह से ये आ गया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो स्ट्रिप्स आपको दिए गए थे ये आपको कैसे लगाने हैं, ठीक है, उल्टा आप मत लगाइएगा, इसको देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके लगेगा, कैनन ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से इसमें डालना है ऐसे करके, ये आपका पड़ गया, ठीक है। उसके बाद इसको इसके अंदर आपको डाल देना है, ये आपका पड़ गया, ठीक। इसके बाद इसको आपको ये ढीला करना है, इसको इसके अंदर डालना है ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा और ढीला करना है क्योंकि आपको डालने के लिए जगह मिल जाए, और यहाँ से ऐसे इसको कर देना है, इसको कर देने के बाद और इसको फिर आपको एक तरफ से बराबर से खींच लेना है, आपको जो ये बॉडी है आपको बिल्कुल से बराबर से रख के इसको आपको ये लगा देना है। तो ये देखिए यहाँ से आपका ये अच्छे तरीके से यहाँ लॉक हो गया, और ये जो इसकी ये पिन होती है तो आप इसको यहाँ पर लगा दें, चाहे यहाँ पर कहीं पर इसको फिक्स कर दें, यहाँ पर फिक्स कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इस तरीके से ये लग जाता है, ठीक है, और इसी तरीके से आपको ये दूसरा वाला भी लगा लेना। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लग जाता है, और इस तरीके से आप इसको गले में टांग सकते हैं, जो कि आपको
कैमरे को गिरने से भी बचाता है, और कभी कभी हम लोग कैमरे को हाथ में नहीं पकड़ना चाहते हैं तो आपके ये गले में लटका रहता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।